हेलो दीपक जी, हेलो स्वाति जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राधे राधे जी। हेलो स्वर्णा जी, हेलो प्रिया जी। थैंक यू स्वर्णा जी फॉर शेयरिंग वीडियो। थैंक यू स्वाति जी फॉर शेयरिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट। प्लीज सभी लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। इट्स प्रिटी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत बना है हमारा। और इसी के साथ हेलो इंदिरा जी, हेलो इंदिरा जी, हेलो प्रिया जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यू ऑल। राधे राधे जी। जल्दी जल्दी ज्वाइन करके जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम अपनी क्लास जल्दी से स्टार्ट कर सके। ये है हमारा लक्ष्मी जी के चरण का डिजाइन जिसे हम बनाएंगे, बहुत सुंदर। ये मैं अपने मंदिर के लिए बना रही हूँ, तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। आप लोग चाहे आप छोटा साइज ले सकते हैं जो मैंने कल दिखाया था, या फिर आप ये साइज ले सकते हैं। ठीक है, हेलो सोनल जी। पहले हम इसे कंप्लीट करते हैं और फिर हम इसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू प्रिया जी शेयर करने के लिए। इट रियली मीन्स अ लॉट। आपने साथट ग्रुप में शेयर किया, सच में थैंक यू सो मच। थैंक यू रीना जी फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज शेयर द वीडियो। वार्निश को एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। आप स्प्रे वार्निश यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप स्प्रे वार्निश नहीं यूज कर सकते हैं तो आप एक्वाडोर पीयू यूज कीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक्वाडोर पीयू वाटर प्रूफ है और वाटर बेस्ड है, तो वो कभी भी येलो नहीं होती। हेलो मीनू जी, राधे राधे जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हेलो सुषमा मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सभी को एक बार फिर से राधे राधे जी। और जल्दी से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सी, आई हैव दिस स्मॉल कंटेनर। मैं इसमें अपना मटेरियल मिक्स करने वाली हूँ एंड आई एम यूजिंग मार्केट बेस्ड जो पाउडर पुट्टी आता है वो। ठीक है, मार्केट बेस्ड पाउडर पुट्टी हम यूज करेंगे। और मैंने आप लोगों को चॉक पेंट बनाने सिखाए थे, सबको याद है चॉक पेंट कैसे बनाते हैं? फटाफट से रिप्लाई कीजिए कि सबको याद है ना चॉक पेंट कैसे बनाते हैं। सबको सिखाया था कि हाउ टू मेक चॉक पेंट, और हमारे चॉक पेंट बहुत अच्छे बने थे। मैंने लास्ट ईयर जो चॉक पेंट बनाया था वो आज तक मेरा बिल्कुल ठीक है। तो फटाफट से मुझे रिप्लाई कीजिए, किस किस को याद है हमने चॉक पेंट बनाए थे। हेलो आपने वीडियो देखा था, गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो हम उसी चॉक पेंट से हमारे शुभ लाभ करने वाले हैं। ठीक है, उसी चॉक पेंट से हम अपने शुभ लाभ करेंगे और बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। उसके ऊपर हम स्टेंसिल करेंगे, ठीक है ना? तो उसके ऊपर हम स्टेंसिल का काम करेंगे और फिर हम शुभ लाभ कंप्लीट करेंगे। बताया तो मैम, कितनी बार बताऊं, स्प्रे वार्निश कर लीजिए, आपके मिरर को कुछ नहीं होगा। कितनी बार बताऊं, सेवी क्वेश्चन आराम से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैंने बहुत बार करके भी बताई है, आप प्रीवियसली सेशंस देखिए, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन है, सब कुछ। आप 12 o'clock से वेट कर रहे थे, सॉरी संयुक्ता जी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई आज, 15-16 मिनट लेट हो गई मैं, तो मैं इसलिए सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो मृदु जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लिंक मेरे पास तो बहुत मुश्किल है, लिंक ढूंढना, इट्स सो डिफिकल्ट।
हाँ, तो आप धीरे धीरे देखिए और धीरे धीरे ही आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलते जाएंगे। टैल्कम पाउडर और एक्रेलिक कलर प्लस लिटिल बिट ऑफ फेविकॉल। ठीक है प्रिया जी, थोड़ा सा फेविकॉल भी अगर आप डाल लेंगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। देखिए, अब हम इसका मटेरियल बना रहे हैं, मिरर मोज़ेक का। सुषमा जी, चॉक पेंट पे वार्निश क्यों करनी है? चॉक पेंट का तो जो मैट इफेक्ट है वो बहुत खूबसूरत लगता है, तो मेरे हिसाब से तो चॉक पेंट पे वार्निश नहीं करनी चाहिए। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कीजिए, वो मैट में बहुत अच्छा लगता है चॉक, या फिर वार्निश आप कीजिए मैट, शाइन वाली या ग्लॉस वाली वार्निश मत कीजिए, बिल्कुल मैट वार्निश कीजिए, तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर चॉक पेंट की जो सूदिंगनेस है वो चली जाएगी, है ना? तो थोड़ा उस चीज का ध्यान रखिए, या फिर बिल्कुल जो प्योर मैट वार्निश आती है वो यूज कीजिए, बिल्कुल भी ग्लॉस वाली मत यूज कीजिए। ये मैंने लिया है मार्केट बेस्ड पुट्टी, और अभी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। हेलो ऋतु जी, रजनी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अलॉट। प्लीज जल्दी जल्दी सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे, हमें पेस्ट थोड़ा सा थिक रखना है, ज्यादा रनी पेस्ट नहीं चाहिए हमें। मैं दो कलर का पेस्ट लेने वाली हूँ, ठीक है? थैंक यू रितु जी, थैंक यू सो मच। पानी मिक्स कर रही हूँ, आई एम नॉट एडिंग वॉटर, ठीक है? सॉरी, आई एम नॉट एडिंग फेविकॉल, आई एम एडिंग वॉटर। अच्छे से मिक्स करना है आपके पेस्ट को। मैं नाराज नहीं हो रही, मैंने तो हंसते हुए आपको जवाब दिया है, मैं गुस्से में नजर आई आपको एक भी बार? थैंक यू सुषमा जी फॉर शेयरिंग, हेलो वन्ना मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हेलो नीता जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अलॉट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक्स अलॉट। हेलो दर्शना जी, हेलो सुनीता जी, प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। देखिए, थोड़ा सा ना मैंने एक्स्ट्रा पानी डाला है, तो मेरा पेस्ट देखिए कितना सॉफ्ट हो गया, हमें बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ चाहिए। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सो मच। प्लीज सभी लोग शेयर कीजिएगा वीडियो को। अब आप इसमें थोड़ा सा पाउडर और डाल दीजिए, ठीक है? थोड़ा सा पाउडर, क्योंकि ये हल्का सा रनी है, हमें इतना रनी नहीं रखना, इतने रनी रखने में ना थोड़े से क्रैक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत थोड़ा सा इसमें पाउडर हम ऐड कर लेंगे। फिर से ये ड्राई वाला पुट्टी है जो हम मार्केट से आराम से ले सकते हैं, जेके वॉल पुट्टी, बिरला वॉल पुट्टी, कोई भी ले लीजिए आप, आपको बहुत आराम से मार्केट में मिल जाएगा। थैंक यू संयुक्ता जी फॉर शेयरिंग, थैंक्स अलॉट। थैंक यू रजनी मैम, थैंक यू सो मच। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा एकदम परफेक्ट सा टेक्सचर पेस्ट बन गया। मैं आधा पेस्ट निकाल रही हूं और आधा पेस्ट हम यूज करेंगे, ठीक है? इधर निकाल लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करिएगा, जितना अच्छे से आप मिक्स करेंगे आपका इफेक्ट उतना ही खूबसूरत आएगा, ठीक है? थोड़ा सा हम और डालेंगे, थोड़ा सा, एक स्पून जितना आप और ऐड कर लीजिए, ज्यादा नहीं, ओनली 1 स्पून, ठीक है? थैंक
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज सभी लोग शेयर करते जाइएगा। ज्यादा नहीं है, बस 1 स्पून और डाला है, वो इसलिए क्योंकि हम इसमें कलर डालेंगे तो ये लिक्विडी और हो जाएगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा इसको थिक कर लिया मैंने। ओके, ये हमारा थोड़ा सा हमने निकाल लिया। एकदम परफेक्ट मिक्स आया है, आप इसका टेक्सचर देखिए, एकदम परफेक्ट, एकदम फाइन टेक्सचर है। ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, आप सीटी पे बनाइए। थैंक यू समीक्षा जी। व्हाइट सीमेंट सेम नहीं होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं दोनों। सीमेंट आप यूज नहीं कर सकते हो, और चौक ये जो पुट्टी होती है इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो, तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं, एकदम अलग होते हैं। ठीक है, सीडी पर बनाइए प्रिया जी, बिल्कुल आराम से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। आज मैं अपना नाइफ लेना भूल गई तो मैंने स्केल से ही मिक्सिंग कर ली। देखिए मैंने थोड़ा सा थिक रखा था ना, अभी मैं कलर ऐड कर रही हूं तो ये थिन हो गया, इसलिए हमें थोड़ा सा थिक रखना पड़ता है, बिकॉज हमें इसमें कलर ऐड करना है ना, और कलर भी थोड़ा लिक्विडी है। तो अभी ये आपका बिल्कुल परफेक्ट हो गया जिस तरह का हमें चाहिए। या तो आप थोड़ा सा हैवी बॉडी कलर यूज कीजिए या ट्यूब कलर, और अगर आप बॉटल कलर यूज कर रहे हो तो थोड़ा आप इसको लिक्विडी रखोगे, सॉरी थिक रखोगे, लिक्विडी कम रखोगे। ठीक है, एकदम परफेक्ट हो गया। अब ये हम इसमें यूज करेंगे। मुझे दो कलर में करना है, एक कलर में नहीं करना है, दो कलर में करना है, तो ये वाला मैं सिर्फ अंदर की तरफ यूज करने वाली हूं, और इसकी जो जो एम्बोजिंग है वो सिर्फ मेरे मिरर की हाइट तक रहेगी, मिरर की हाइट से ऊपर नहीं जाएगी। मिरर आपका अच्छे से कवर होना चाहिए इसमें, और इसको धूप में नहीं सुखाना है, इसको आप शेड में ही सुखाओगे, छाया में ही सुखाओगे, और कल मैं आपको इसका क्लीनिंग सिखाऊंगी, या फिर मैं शाम में इसका क्लीनिंग वीडियो डाल दूंगी, क्योंकि अब ये गीला है ना, सूखने के बाद ही इसकी क्लीनिंग होगी, और आप देखिएगा कितनी खूबसूरती से इसकी क्लीनिंग हो जाएगी। बहुत लिक्विडी नहीं रखना सी, ठीक है, एकदम आराम से हो गया। हैंड वॉश कर लीजिए, आप अपने टूल को भी वॉश कर लीजिए। अब हमें दूसरा शेड बनाना है, तो मैंने थोड़ा सा ये ले लिया यहीं पर ही। देखिए ये कितना थिक है ना, और ये कितना सॉफ्ट हो गया क्योंकि इसमें कलर ऐड हो गया। अभी मैं, आप ऑरेंज ले सकते हो, मैं रेड ले रही हूं, इसी के साथ ही आई एम यूजिंग रेड। टेक्सचर पेस्ट भी देखो मैंने आपके सामने ही बनाया है, कलर मिक्सिंग भी मैं यहीं पे ही कर रही हूं, तो मैंने इस आर्टिकल में आपको ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आज छुपाया हो और जो आप आराम से ना कर पाए। देखिए कितना खूबसूरत शेड आता है, एकदम ब्राइट कलर आएगा, बहुत ही अच्छा, और आपका प्रोजेक्ट बहुत सुंदर बनेगा। बस अपने टेक्सचर पेस्ट को जब आप कंप्लीटली रेडी कर रहे हो तो वो थोड़ा आपका टेक्सचर पेस्ट थिक रहना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा शेड आ गया ना, एकदम ब्राइट रेड आ गया, बहुत सुंदर। अब इसको हमें हाथ से लगाना है।
एक बार अपने हैंड क्लीन कर लीजिए अच्छे से। आपके हैंड पे कुछ नहीं होना चाहिए, ना तो पानी ना ही कुछ और, क्योंकि पानी लगेगा तो आपका जो आर्टिकल है वो लिक्विड ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से लेंगे और यहां पर फिल करेंगे। ये बहुत अच्छा फिक्स होगा और इसकी क्लीनिंग बहुत सुंदर हो जाएगी, बहुत ही आराम से क्लीन हो जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, थिक लेयर लगा दीजिए बस। बहुत लिक्विडी अगर आप लगाओगे ना तो उसमें कभी कभी बबल्स आ जाते हैं, तो वो बबल्स बहुत खराब लगते हैं बनने के बाद। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से फिल कर दीजिए। कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा, पर फिर भी कोशिश कीजिए कि प्रेशर ना ही देना पड़े। ओके, ये प्लेट नहीं है, इट्स अ वुडन एमडीएफ है ना, ये एमडीएफ का सर्कल है। मार्बल पाउडर में आपको फेविकॉल मिलाना पड़ेगा, चॉक पाउडर नहीं यूज कर सकते, और मार्बल पाउडर पानी के साथ नहीं चलता है, उसमें आपको फेविकॉल मिलाना पड़ेगा। और जिसमें आप फेविकॉल मिलाते हो उसको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, हो जाएगा वो भी क्लीन पर थोड़ा टाइम लेगा। ओके, हेलो ज्योति दी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज सभी लोग शेयर कीजिएगा। देखिए, अंदर वाला जो सर्कल है वो येलो है, मैंने उसको बिल्कुल टच नहीं किया। बाहर वाला सर्कल मेरा रेड है। इसी तरह से आप 3 to 4 शेड्स भी बना सकते हो, मतलब अगर आप बड़ा आर्टिकल बना रहे हो तो आप अलग अलग शेड्स बना सकते हो। और मैंने बिल्कुल अच्छे से अपने सारे मिरर्स पे लगा दिया है, कहीं पर भी मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा, ताकि मुझे बहुत अच्छी फिलिंग मिले। अब ये साइड में है ना, इसको साइड को भी आप इससे ही कवर अप कर दीजिए, इसकी साइड्स। ठीक है, यहां साइड से, इससे आपके मिरर और स्ट्रांग हो जाएंगे और वो बाय द टाइम बिल्कुल भी निकलेंगे नहीं। इसको सूखने के लिए धूप में मत रखिएगा, अदरवाइज क्रैक्स आ जाएंगे और आपका आर्टिकल अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें क्रैक्स होंगे। तो इसको सूखने के लिए बिल्कुल भी नहीं रखना है धूप में, आप इसको नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे सूखने दीजिए। देखिए, मैं साइडों में भी लगा रही हूं, दिस इज अ टिप, इससे आपका मिरर बिल्कुल कभी भी नहीं निकलेगा। अगर आप साइडें नहीं फिल करोगे तो हो सकता है टाइम के साथ आपका ये वाला वर्क खराब हो जाए, तो इसलिए अच्छे से साइड्स ऊपर नीचे सब तरफ फिलिंग कर दीजिए। बिग मिरर कहाँ से मिलेगा? आप किसी मिरर वालों से कांटेक्ट कीजिए मैम, मुझे नहीं पता इस चीज का। जहां से आपको मिरर का मटेरियल मिलता होगा वहां से कंफर्म कीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ? इसी तरह से आप 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर, मतलब 4 कलर 5 कलर का भी काम कर सकते हो, आपका अगर बड़ा बेस है तो। हमारा बेस छोटा है ना, तो हमने 2 शेड लिए हैं। अभी हैंड को क्लीन कर लेंगे अच्छी तरह से, और ये बहुत सुंदर दिखेगा क्लीन होने के बाद। गुड आफ्टरनून जया मैम। ये देखिए, मैंने ना सेट बनाया है, एक ये है मेरा और एक ये है। इसमें मैंने आउटर में ग्रीन कर दिया है, पर मुझे लग रहा है कि शायद ये ग्रीन दिखेगा नहीं। तो ये दोनों चीज, दोनों ही आर्टिकल मैं क्लीन करके आपको नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगी। तो वो हमारा मिरर मजाक वाला हो गया, टी लाइट कैंडल। अब हम करेंगे लक्ष्मी जी के चरण। ओके, और जो शुभ लाभ है, शुभ लाभ हम करने वाले हैं चॉक पेंट और स्टेंसिल से। बहुत सुंदर इफेक्ट आएगा चॉक पेंट का और स्टेंसिल का, बहुत प्यारे लगेंगे। तो सब लोग अपने अपने चॉक पेंट के साथ रेडी रहिएगा, कल हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। प्लीज सभी लोग शेयर कीजिएगा वीडियो को जल्दी जल्दी,
ठीक है, थैंक यू सो मच डियर, थैंक्स अ लॉट। चलिए अब हम अपने लक्ष्मी जी के चरण पे काम करते हैं, जिसे हम कुंदन से डेकोरेट करने वाले हैं। कंप्लीट होने के बाद हम इसमें कुंदन का वर्क करेंगे और साथ में मिरर का वर्क करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम मोल्ड इट ले लेते हैं। दिस इज माई मोल्ड इट। हेलो विभा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डियर। राधे राधे जी, प्लीज शेयर द वीडियो। टेल्कम लगाएंगे थोड़ा सा हाथ पे, सो दैट हमारा ये स्टिक नहीं होगा। परसों तक हमारे सारे आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम करेंगे एक बड़ा सा दिया डेकोरेट। और दिया डेकोरेट करने के लिए हमें बस हमारा क्ले ही चाहिए होगा, ज्यादा कुछ नहीं। हेलो नलिनी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डियर। मैं यहाँ पे मोल्ड इट यूज कर रही हूँ बिकॉज मेरा वो क्ले खत्म हो गया है और अभी मुझे बनाने का ना टाइम नहीं मिल पाया। तो आप लोग अपना जो हमारा हैंडमेड क्ले है उसे यूज कर सकते हो बहुत अच्छे से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो आप लोग हैंडमेड क्ले यूज कीजिएगा, मेरा वो खत्म हो गया है, एक ऑर्डर था तो मेरा उसमें सारा लग गया। तो फिलहाल आई एम यूजिंग दिस, आप लोग हैंडमेड क्ले यूज कीजिए जो हमने बनाया, काफी बार मैंने सिखाया है ना। वो संयुक्ता जी हम दिवाली के बाद कर पाएंगे, है ना, अभी इतना टाइम नहीं है। मुझे भी दिवाली की थोड़ी प्रिपरेशन करनी है, अभी मेरा कोई काम नहीं हुआ, तो वो हम आफ्टर दिवाली करेंगे। रेजिन भी हम आफ्टर दिवाली करेंगे, बिफोर दिवाली हम लोग लक्ष्मी जी के चरण, शुभ लाभ और दिया इतना और कर लेंगे, ठीक है। हेलो गार्गी जी, हेलो रेनू जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो वो डेफिनेटली करेंगे डियर, पर वो हम आफ्टर दिवाली करेंगे। हेलो नीलिमा जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अ लॉट। हेलो मोनिका जी, देखिए हमारा ये आर्टिकल हो गया है और इसकी क्लीनिंग हम कल करेंगे। इतना काम हमारा हो गया, हमने कैसे टेक्सचर करना है, साइड फिनिशिंग कैसे देनी है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम कल करेंगे आगे का काम, ठीक है। ये सूखने के बाद अगर मैं इसका वीडियो बना के डाल सकी तो मैं वो डाल दूंगी। तो अभी हम कर रहे हैं ये लक्ष्मी जी के चरण पे काम। सबसे पहले हम चरण ही बनाएंगे, इसको मैं आपको कुंदन से करवाने वाली हूँ और गोल्डन कलर से, बहुत सुंदर लगेंगे। ये मैं अपने घर के मंदिर के लिए ही बना रही हूँ, तो आप लोग भी अपने मंदिर के लिए बना सकते हो। आज और कल में ये तैयार हो जाएगा। और अगर कोई भी इन आर्टिकल को परचेज करना चाहता है मेरे से तो वो ले सकता है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में दूंगी मैं। ये दिवाली ऑफर के आर्टिकल्स हैं, कोई भी लेना चाहे विद मिनिमम प्राइस। हेलो भावना मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू नीलिमा मैम फॉर शेयरिंग। बिल्कुल मोनिका जी, और ना उसमें मुझे काफी काम करवाना है तो अभी वो काम सब हो नहीं पाएगा, तो वो हम दिवाली के बाद करेंगे क्योंकि वो बिग आर्टिकल बनेगा। मैं बड़े से सर्कल पे बनवाऊंगी वो, एटलीस्ट हमारा 15-16 इंच का सर्कल रहने वाला है ना वो। कोई टिप मेरे पास तो कोई टिप नहीं है डियर, मैं तो हाथ से ही करती हूँ। थैंक यू मोनिका जी फॉर शेयरिंग, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, तो मैं तो हमेशा ऐसे हाथ से ही करती हूँ और आराम से हो जाता है, बस फ्लैट सरफेस होना चाहिए आपका अच्छे से। इसको हम साइड में कर लेते हैं और बाकी चीजें ना दीपक जी कुछ पेड क्लास के लिए भी होती है ना, तो कुछ चीजें तो हमें पेड क्लास के लिए भी रखनी पड़ती हैं। हेलो अनीता जी,
बिल्कुल कथकली फेस जैसा डिटेल्ड खूबसूरत वर्क होगा श्रीनाथ जी का भी, बहुत खूबसूरत और एकदम डिटेल्ड, ठीक है। पर वो होगा आफ्टर दिवाली। हेलो अलका जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अलॉट। देखिए पैर के अराउंड हम इसका मोल्डेड का एक कोन आउटलाइन देंगे कॉइल वर्क का, ताकि हम इसके अंदर कुंदन फिक्स कर सके। कुंदन फिक्स करके मैं आपको कल दिखाऊंगी, आज नहीं, क्योंकि आज ये वेट रहने वाला है। बहुत सुंदर बनेंगे श्रीनाथ जी भी, बहुत ही प्यारे से। थोड़ा सा मोटा बनाएंगे कॉइल, इतनी पतली कॉइल नहीं चाहिए हमें, थोड़ी सी थिक कॉइल चाहिए। मैंने कुछ ज्यादा ही थिन कर दी कॉइल ना, थोड़ी थिक कॉइल रखेंगे। तो आप वेट कीजिए, वो बहुत खूबसूरत बनकर आएगा हमारा कथकली फेस जैसा, एकदम डिटेल वर्क होगा उसमें। और उसमें कुछ हम मिक्सिंग भी करेंगे, मतलब कुछ फ्यूजन करेंगे, सिर्फ हम लिपन का काम नहीं करेंगे, उसमें हम कुछ फ्यूजन करेंगे। मेरा मन तो उसमें पिछवई के साथ कुछ करवाने का है, तो पिछवई का ही कोई डिजाइन सेट करूंगी उसपे, और पिछवई के साथ वो बहुत सुंदर लगेगा, बहुत ही प्यारा, ठीक है ना। जैसे नाच द्वारा के होते हैं ना हमारे, सेम वैसा ही। तो उसके लिए थोड़ा आप लोग वेट कीजिए, पहले हम रेजिन का कर लेंगे या फिर हम यही प्रोजेक्ट शुरू कर लेंगे, पर आफ्टर दिवाली करेंगे। अभी दिवाली के बहुत सारे काम है। थोड़ा सा पार्ट ये मैं कट कर रही हूं यहां से, ये पॉइंटेड सा आ गया, मुझे इतना पॉइंटेड नहीं चाहिए। देखिए एक ही कॉइल बनाइए और इसको अपनी ड्राइंग के हिसाब से एडजस्ट करते हुए स्टिक कर दीजिए। फेविकॉल हमने ऑलरेडी इस पे लगा ही रखा था। जॉइंट को बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में आपको जॉइंट करना चाहिए, उससे ना आपका जो वर्क है उसकी फिनिशिंग अलग ही दिखती है। ये देखिए है ना खूबसूरत सी शेप। हाँ हमारी ड्रेस आ गई हमारी ड्रेस आ गई। इंतजार और सही जी बिल्कुल, ठीक है। इंतजार का मीठा फल होता है ना डियर, तो वही मिलेगा आपको। बहुत सुंदर सा मैं पिछवई का पैटर्न करवाऊंगी आप लोगों को, और वो बहुत सुंदर दिखेगा, उसमें खूब सारे मिरर वर्क होंगे, जगमग जगमग, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने ब्रश से फेविकॉल इसलिए लगाया क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा में कहीं पे भी फेविकॉल नहीं चाहिए, तो थोड़ा जब हमें एक्स्ट्रा में कहीं पे भी फेविकॉल नहीं चाहिए होता तो हम थोड़ा ध्यान से काम करते हैं। हेलो नीलम जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अलॉट। जब आप एक बार काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपकी कॉइल कैसे इवन आएगी, तो उसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है। बाकी आप थोड़ा सा वीडियो ऑब्जर्व कीजिए, और जब कभी आप पेड क्लास लेंगे तो आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी पता चल जाएंगी। बहुत डेलिकेटली हैंडल करना होता है,
हाय डियर अग्रवाल अग्रवाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक्स अ लॉट. अब पहले दोनों पैरों की ना आप शेप एक जैसी कर लीजिए. कई बार हमारी ड्राइंग सेम होती है, उसके बावजूद भी ना थोड़ी सी शेप डिफर हो जाती है, तो पहले उसको इवन करिए हल्का सा टेलकम लगा के. देखिए, है ना खूबसूरत. चलिए जल्दी से आगे का काम करते हैं, बहुत जल्दी से, क्योंकि ये वाला आर्टिकल मुझे आप लोगों का कल कंप्लीट करवाना है, और कल ही हमारे शुभ लाभ भी कंप्लीट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है. फिर हमारा एक आर्टिकल बचेगा, बिग दिया डेकोरेशन. पहले आप थंब लगाइए, दोनों थंब एक जैसे साइज के होने चाहिए. प्लीज 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 सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. हमारे एक आर्टिकल कंप्लीट है, बस उसकी मुझे क्लीनिंग वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करनी है, और ये दूसरा आर्टिकल चल रहा है लक्ष्मी जी के चरण. फिंगर्स थोड़ी पतली और थोड़ी सी लंबी, ठीक है, थोड़ी सी पतली रहेगी और कुछ लंबी रहेगी जो हमारा थंब है ना उससे. ये वाली ज्यादा अच्छी है, वो थोड़ी मोटी लग रही थी. तो बहुत ध्यान से ना एक-एक चीज स्कल्प्ट करनी होती है, क्योंकि इन चीजों में अगर ब्यूटी नहीं आएगी ना तो एंड रिजल्ट भी उतना सुंदर नहीं दिखता है. हम देखते हैं ना, प्यारे से चरण हो लक्ष्मी जी के, सुंदर से चरण हो, वही हम अपने घर में लगाते हैं. तो आप वही बनाइए, सुंदर काम, एकदम खूबसूरत. हेलो प्रीति जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज शेयर द वीडियो. और अपने हाथ के काम की तो फिर बात ही अलग होती है, और भी अच्छा लगता है, बहुत सारी फीलिंग्स भी होती है ना. अपने हाथ के काम में हमारे बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं. वाह, देखिए कितना प्यारा आया ना पैर, एकदम खूबसूरत सी छाप बनी है ना पैरों की. बिल्कुल छोटी छोटी फिंगर्स बना रही हूं मैं, बिल्कुल छोटी छोटी. नहीं, ये थोड़ी ज्यादा छोटी हो गई, इसमें थोड़ा सा हमें और ऐड करना पड़ेगा. हाँ अभी ठीक है. नीचे से पतली है फिंगर और ऊपर से हल्की सी मोटी है. देखिए, अगर आप डिटेल में काम करते हैं, फिनिशिंग के साथ काम करते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है, और जो आपके बायर्स हैं, जो आपसे प्रोडक्ट लेते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है ना. दोनों को ही अच्छा लगता है, क्योंकि उनको एक अच्छा आर्टिकल मिला और आपकी मेहनत सफल हुई. आपने जो इतनी मेहनत की अपने आर्टिकल पे, दैट गोइंग टू बी सक्सेसफुल इफ यू आर डूइंग ब्यूटिफुल वर्क. ओके, चलिए ये तो हुए हमारे चरण. अब हम जल्दी से बॉर्डर डिजाइन कर लेते हैं.
सी, है ना, एकदम ब्यूटीफुल, कितने प्यारे दिख रहे हैं, इट्स सो प्रिटी। और ये देखिए, ये हमारा हो गया है, और इसकी मैंने सारी साइड्स भी कवर की है। साइड कवर करने का रीजन क्या है कि साइड से अगर हमने कवरिंग अच्छे से की है तो हमारा मिरर कभी उठेगा नहीं, हमारा मिरर कभी निकलेगा नहीं, क्योंकि वो पूरा का पूरा इस टेक्सचर के अंदर फिक्स हो गया। तो ये सारी साइड्स आप अच्छे से कवर कीजिएगा। और ये मैंने दो बनाए हैं, एक वो और एक ये, इसमें मैंने ग्रीन की कवरिंग की है साइड में ना, उसमें भी कर सकते हैं, सूखने के बाद कर दूंगी। तो ये एक कॉम्बो, मतलब एक पेयर हो गया, अगर कोई परचेज करना चाहता है तो वो परचेज भी कर सकता है। चलिए इसमें आगे का काम करते हैं। और दीज आर माई क्लासेस, ये मेरी टेक्सचर पेंटिंग की क्लास चल रही है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। इट्स ब्यूटीफुल क्लास और बहुत ही सुंदर काम हो रहा है इसमें। बस इसकी एक पेंटिंग बाकी है, दो पेंटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, दिस इज आवर सेकेंड पेंटिंग, ठीक है। तो कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो यू ऑल कैन ज्वाइन। आप इसकी शाइन देखिए, इसका लुक देखिए, बहुत सुंदर आया है। और ये कोनिंग वर्क नहीं है, इट्स नॉट अ कोनिंग वर्क, इट्स अ नाइफ वर्क। ये हम नाइफ से टेक्सचर देके काम कर रहे हैं। और इसका जो थर्ड पार्ट, थर्ड पेंटिंग है, वो मेरी स्टार्ट हो चुकी है, परसों तक होपफुली 3 से 4 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब बिफोर दिवाली वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और फी बहुत ही कम है इसकी, इट्स नॉट अ एक्सपेंसिव क्लास, बहुत पॉकेट फ्रेंडली क्लास है ये। हेलो नीतू जी, हेलो सुषमा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी मेरे को बॉर्डर देना है यहाँ पे चारों साइड पे, तो मैं बॉर्डर के लिए कॉइल बना रही हूं। आप देखिए, आराम से कॉइल बना सकते हैं हम। अंदर की तरफ मैं मिरर लगाऊंगी या कुंदन लगाऊंगी, तो वो हम कल करेंगे कलरिंग के बाद, ठीक है। आज हम क्ले का काम कर लेंगे। और आप लोग अपना चॉक पेंट रेडी करके रखिएगा, मैं टील ब्लू कलर का चॉक पेंट यूज करूंगी फॉर शुभ लाभ, टील ब्लू। और जो शुभ लाभ रहेगा वो रेड कलर से और गोल्डन कलर से रहेगा, ठीक है। तो आप लोग अपना प्रिपेयर करके रखिएगा, ताकि आपका भी मेरे साथ ही कंप्लीट हो जाए। और फिर हमारा बचता है ओनली एंड ओनली बिग दिया डेकोरेशन। हाँ, मेरा बेस में एमडीएफ है डियर, आप स्मॉल कैनवस भी यूज कर सकते हो। एमडीएफ नहीं मिलता है तो यू कैन यूज कैनवस एज वेल। और आप कार्डबोर्ड यूज कर सकते हो, केक बेस यूज कर सकते हो, कुछ भी जो आपके पास मतलब आराम से मिल जाए आप वो यूज कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बस यही यूज करना है और कुछ और यूज करना ही नहीं है। कई बार कुछ चीजें हमें नहीं मिल पाती, तो जो आपको अवेलेबल हो इस टाइम पे आप उसे यूज कर लीजिए। क्योंकि देखिए, मोस्टली ना इस टाइम पे सबके पास काम ओवर रहता है, दिवाली की क्लीनिंग है, घर की शॉपिंग है, बच्चों की शॉपिंग है, तो बहुत काम हो जाता है। और अपना जो भी हम करते हैं वो तो है ही। देखिए, मैंने एक ही कॉइल बनाई है। अच्छा, कल किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमारा मिरर कंप्लीटली फिक्स नहीं होता तो हमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये मेजरमेंट लीजिए कि आपका जो मिरर है उसका साइज देखिए। सबसे पहले तो आप उसका साइज देखिए, अगर वो एक नॉर्मल साइज में है तो आराम से फिक्स होगा, अगर वो बहुत बड़ा है तो वो फिक्स नहीं होगा। और दूसरा, अगर आपको लगता है एंड में जाकर कि आपका तो एक एक मिरर की स्पेस रह गई है और वहां पर छोटा सा स्पेस है, तो वहां आप कोई छोटा मिरर लगा दीजिए, पर उसको खाली मत छोड़ी, खाली नहीं छोड़ना है, वहां पे कोई भी आप स्मॉल मिरर लगा दीजिए, आराम से सेट हो जाता है। थोड़ा सा यही कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है ना,
तो वो चीज आराम से हो जाती है। सी, ये हमारा बॉर्डर भी हो गया। अब इस बॉर्डर पे हम थोड़ा सा एक बार डिजाइनिंग कर दें, लाइक यहां पर मुझे इस तरह की डिजाइनिंग ना बहुत पसंद है ओवर द कॉइल। आपको नहीं पसंद आप छोड़ दीजिए, आपको अच्छी लग रही है आप कर लीजिए, पर कॉइल पे इस तरह की डिजाइनिंग करने से ना लुक भी अच्छा हो जाता है हमारे आर्टिकल का और हमारी कॉइल बहुत अच्छी फिक्स भी हो जाती है। तो आई रियली लाइक टू डू दिस काइंड ऑफ कॉइल वर्क। अब इसमें जो हम बेस है रखेंगे गोल्डन, और गोल्डन के साथ हम जो चरण है, चरण का जो कलर है वो रखेंगे रेड, और यहां पर लगाएंगे हम मिरर। बहुत खूबसूरत दिखेंगे, बहुत ही सुंदर। देखिए अभी से ही आप इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है, तो कंप्लीट होके तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। ऑयल पेंटिंग है या एक्रेलिक? नीलम जी ये सब एक्रेलिक है, ऑयल नहीं है, ये सब एक्रेलिक है नीलम जी, और बहुत ही मिनिमम फी में है, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव फी नहीं है, और आप इनकी शेडिंग ब्लेंडिंग देख ही रहे हैं एब्सोल्युटली परफेक्ट। हमने कितने सारे शेड्स यूज किए हैं, सी इन दिस वन हमने बहुत सारी शेडिंग की है, बहुत सारे कलर्स यूज किए, और ये सब मैंने क्रिएट करने भी सिखाए हैं आपको, सब चीज मार्केट से नहीं लेनी है, ये सब कुछ क्रिएट करना सिखाया है। और सबसे जरूरी ये कोई कोनिंग वर्क नहीं है, ये सब हमने नाइफ से किया है। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थर्ड पेंटिंग इसकी स्टार्ट है, अभी थोड़ा ही काम हुआ है उसका, और ये वाली भी दोनों हमारी चल रही हैं, इसमें भी हमारा काम स्टार्ट है। बोथ पेंटिंग्स आर अमेजिंग, एकदम 3D लुक के साथ आ रही है, एकदम 3D लुक के साथ। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू सुधा जी फॉर शेयरिंग। ये देखिए ये अभी अंडर प्रोसेस है, और आप इसका लुक देखिए कितना 3D है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक्रेलिक के साथ है, और इट्स वेरी वेरी 3D। बिंदु जी आई एम फ्रॉम मेरठ यूपी, तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकता है, मेरा नंबर है 7060200401। एकदम मिनिमम फी के साथ रहती है मेरी क्लासेस, तो आप लोगों को ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप लोग बहुत अच्छा सीखेंगे बिकॉज मेरी क्लासेस वेल एक्सप्लेन होती हैं और फुल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होती है। कभी भी अगर आपको टाइम नहीं है आप बाद में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये है हमारा थर्ड वन, इसको मैंने बिल्कुल ऐसे ही करवाया है, सेम टू सेम। नीलम जी अगर आप रोज काम करते हैं ना तो एक पेंटिंग आप 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। मेरे सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ ही चल रहे हैं, तीसरी पेंटिंग स्टार्ट है, 2 पेंटिंग उनकी कंप्लीट हो गई, 2 पेंटिंग मेरी कंप्लीट हो गई, तो अगर आप रोज काम करते हैं ना तो बिफोर दिवाली आप 2 पेंटिंग आराम से कंप्लीट कर लेंगे, बहुत आराम से, एंड इट्स नॉट अ टाइम टेकिंग वर्क, बहुत अच्छी और क्विक बनने वाली पेंटिंग है। तो ये हमारी थर्ड पेंटिंग है जो हमारी स्टार्ट हुई है कल, आज भी इसका सेशन होगा, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। दिस वन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर क्लासेस, ये भी हमारी क्लास के लिए अवेलेबल है। देखिए कितनी खूबसूरत क्लास है, बहुत बहुत सुंदर क्लास है। दिस इज ऑल्सो एक्रेलिक, इट्स ऑल्सो एक्रेलिक पेंटिंग, ये कोई ऑयल पेंटिंग नहीं है, बहुत फाइन ब्लेंडिंग हुई है इसमें, देखिए आप इसमें कितना सुंदर काम है, ये भी एक्रेलिक ही है, इट्स नॉट अ ऑयल पेंटिंग, आप इसका वर्क देख सकते हैं। एक एक चीज मैंने बहुत डिटेल में सिखाई है। ये वाली मेरी दिवाली के बाद स्टार्ट होगी 24 नवंबर से, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, अभी के लिए ये भी एक मिनिमम फी में ही है, इट्स नॉट इन वेरी हाई फी,
तो ये भी एक स्मॉल फी के साथ ही है। बाकी आप ये क्लासेस सब देख ही रहे हैं, ये सभी क्लासेस अवेलेबल हैं। मोस्टली एक्रेलिक है, कोई भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, मोस्टली एक्रेलिक है। ऑयल भी है बट मोस्टली एक्रेलिक है। एक्रेलिक के साथ बहुत अच्छा काम हो सकता है, बहुत अच्छी मिक्सिंग ब्लेंडिंग हो सकती है। तो ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं सेम टाइम पे। क्लीनिंग का मैं वीडियो भेजूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रहेगा शुभ लाभ विद चॉक पेंट। चॉक पेंट बनाने मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाए हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी मैं सेम आईडी के साथ हूँ, तो प्लीज मुझे फॉलो कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे जी। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू नीलिमा मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू संयुक्ता जी। चलिए, बाय बाय।